أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي रबी जिदिन आलमा. असलकम वरम् वर्क नाजरीन इटर्नल लेसन डीलिंग्स ऑफ द सल्लल्लाहु अलैहि वसलम के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं लक़त काना लकुम्फ़ी रसूल अल्लासन लिमन काना यरज आखिर वज्ल काजरी आज हम मज़ीद ये जानेंगे के रसोल्ला सल् वसम का घर में तरीक़ तलीम क्या था आप अपनों को ख़ास तौर पर अजवाज मतहरा को अपने बच्चों को अपने साथियों को किस तरह तालीम देते और किस तरह उनकी तरबियत करते ऐसी तरबियत जिससे ज़िंदगी घर माहौल ताल्लुकात खुशगवार हो जाए और जिन मामल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतवा करके हम अपने घरों को अपने माहौल को और अपने साथियों के साथ ताल्लुक को खुशगवार बना सकते हैं इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीहा मेला आइए इनसे इस पर कुछ गुफ्तु करते हैं असल वरिका वरहल आपने बहुत अच्छा हमें एक इंट्रो दे दिया कि किस तरह से रसोल्ला सल्ह वसलम के तरीक़ तरबियत का इतबा भी ज़रूरी है कि अगर एक शौहर हैं तो उन्होंने बीवियों की किस किस तरह से तरबियत की या करनी है या करनी चाहिए क्योंकि घर में एक फ़र्द तो जाहिर है होता है ना कि जिसका एक जिसको अपर हैंड कह लें सुबह ताल खुद कुरान में फ़रमाते हैं वलरजाली दराजा तो ये जो एक दर्जा है मर्द हजरात का ख़ुतियों के ऊपर इसमें कवाम भी उनको बनाया गया है अर्रजालकवा मूना अलसाई तो ये कवामीत या ये जो दर्जा है ये इस लिहाज से भी है कि वो ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि उनके घर में किस तरह का मैनरिज़म अपनाया जा रहा है किस तरह की इबादत की जा रही है किस तरह की अखलाकियात पनप रही हैं बच्चे आगे से किस तरह पल रहे हैं बच्चों में क्या अखलाकियात आ रही हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आज हम इन देखते हैं एक तो ये कि सईद आयशा रदील ताल फरमाती हैं कि रसोल्ला सल वसलम ने फरमाया कि अल्लाह ताली को सबसे जो महबूब आ हैं वो वो हैं कि जो दवाम के साथ किए जाएँ कंटिन्यूटी के साथ किए जाएँ चाहे वो थोड़े हों तो आयशा रदा के अपने भतीजे वो कहते हैं कि आयशा रदा का मामूल था कि कोई भी काम जब वो शुरू कर लेती नेकी का तो बस फिर उसको छोड़ा नहीं करती थी नबी अलैहि वसल्लम की इस नसीहत के हवाले से वजह से और इसमें मैं जब आप सोचें ना तो आपको इसका बड़ा इसकी हिकमत समझ आती है कि आप जब लगातार एक नेकी का काम करते चले जाते हैं ना चाहे वो थोड़ा है चाहे वो इशराक़ के दो नवाफिल हैं आप चार छः आठ नहीं पढ़ पा रहे आप सिर्फ दो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते आप लगातार हैं वो ज़रूर आपके सोच के ऊपर आपकी तबीयत के ऊपर असरअंदाज होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी तौफीक बढ़ती चली जाती है वो जो थोड़े के पे कंटिन्यूटी है ना वो आपको आहिस्ता आस्ता ज़्यादा की तरफ ले जाती है वो आपको ज़्यादा करना भी आसान हो जाता है बनस्बत इसके कि आप एक दिन ज़्यादा करें और अगले कई दिन आप वो काम कर ही ना सकें तो ये एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत अंदाजे के था। के आप हो वाले वाले इतने साल पहले कैसे थोड़ा कर लो मगर हमेशा करो मगर हमेशा वो थोड़ा फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको भी पता होगा ना ज्यादा बिल्कुल वहाँ ठहरता नहीं है जी बिल्कुल फिर इसी तरह से एक बहुत ही खूबसूरत जो अखलाक है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा ताक़द फरमाते थे अजवाज मतहरात को वो था सदका इनफाक़ फी सभी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना आयशा रदील तरमाती हैं कि एक मरतबा मेरे घर में हम नबी सल्हस तशरी फरमाते और एक साइल आया या साइला आई तो मैंने किसी को कहा यानी किसी लॉन्डी को कहा कि इसको कुछ दे दो तो उसने दे दिया देने के बाद जो बाक़ी बचाना मैंने कहा वो ला मुझे दिखाओ के बाकी मैं देख लूं कि अब बचा हुआ क्या है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा आप ये चाहती हैं कि आपके घर में आपकी नॉलेज के बगैर आपकी इजाजत के बगैर कोई चीज़ ना दाखिल हो और ना निकले तो कहती हैं फरमाती हैं कि मैंने कहा जी हाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा गिना ना करो वरना अल्लाह तुम्हें भी गिन गिन के देगा कितनी खूबसूरत बात है बिल्कुल कि थोड़ा बेनियाज कि जो चीज़ दे दी जो चीज़ बाकी बची उससे थोड़ा बेन्याज हो जाए क्योंकि सदके का एक बहुत बड़ा जो अखलाक है वो यह है कि आप बेनियाज हो उससे कि जो आप दे रहे हैं और उससे भी कि पीछे बाकी क्या बचा है आपके घर वालों के लिए इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैदा से फरमाया कि चाहे खजूर का आधा टुकड़ा ही क्यों ना दो लेकिन देकर तो अपने आप को आग से बचाओ तो खजूर का आधा टुकड़ा भी आपको आग से बचाता है फिर एक और बड़ी खूबसूरत ये भी एक आ, हमारी एक जनरल हमारी टर्म होती है ना कि इतना निकाल दिया मैंने इतना दे दिया तो पीछे बाकी इतना बचा तो उसी के तहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में एक मरतबा एक बकरी जो है वो बा की गई तो आप अलैहि वसल्लम तीफ़ लाए तो आपने आयशा रजी से पूछा कि आयशा कुछ बाकी बचा तो आप सल्ला वम के जवाब में से दाइशा फ़रमाती हैं कि कुछ भी नहीं बचा सिवाए एक शान के आप का सवाल भी जो है वो ऐसा मालूम होता है कि तरबियत करने की देने से, से था हुँ, ना, हुँ, हुँ. तो जब सईद आयशा ने वही नॉर्मल जवाब दिया जो हर इंसान देगा तो आपने सब कुछ बच गया उस शाने के। सुभान आपको अगर ये यकीन आ जाए कि आप जो सदका कर रहे हैं वो असल में बच रहा है वो असल में जमा हो रहा है आपका इन्वेस्ट हो रहा है आपका सेव हो रहा है और एक इंतहाई सेफ प्लेस में आपका सेव हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा देंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़े की जो एक बढ़ाने का तरीका है वो भी कितना खूबसूरत है जैसे लग रहा आपकी बातों बात हो देखे आखरत और बिल्कुल उनके लिए प्रियोरिटी आखरत बिल्कुल। थी। और उनको ऐसा पता था कि दुनिया खत्म हो जानी है बिल्कुल और हम आज... यहाँ से कुछ साथ लेकर ही इधर ही ना छोड़ जाए हम इतने दुनिया में इन्वॉल्व हैं उसके पीछे वजह ही ये है कि हमें लगता है बस हम इधर ही हैं जो गया है वो जाने वाला गया है उसका वक्त था हम इधर ही हैं।, हैं जी बिल्कुल और ये चीज़ फिर हमें जी भी करती है ये चीज़ हमें इबादत से भी पीछे करती है और यही चीज हमें जो ख्वाहिश नफ्स को हम फॉलो करते हुए गुनाह कर खत्म जाते हैं होकर ही नहीं, नहीं, नहीं देती फिर बिल्कुल अच्छा एक और बड़ा ही खूबसूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक फरमान है जिससे कि एक और नहज पता चलती है सदका की वो ये है कि आप सल्ला वसम ने अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले आपने अजाज मतःारा से फ़रमाया था कि तुम में से सबसे पहले जो मुझे आकर मिलेगी वो वो होगी कि जिसका हाथ सबसे लंबा है तो आयशा फरमाती हैं कि आप सल्ह वसलम के विसाल के बाद हम अपने हाथ नापा करती थी और सईदा सौदा का सबसे लम्बा होता था लेकिन जब सैदा ज़ैनबरदी लाना का विसाल हज़रतमर के ज़माने में ही उनका इंतकाल हो गया था वो सबसे पहली हैं जिन्होंने वफात पाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो फिर हमें समझ आई कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद सदका था अब इसके ऊपर अगर ग़ौर किया जाए बाज़ जो है वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर अगर ग़ौर किया जाए कि सदका तो सईद आयशा रदी भी बेानतहा करती थी जितने हज़ार दिरहम सालाना ख़र्चा आता था उसी वक्त सारे का सारा दे के उठती थी और अपने लिए अपना इफ्तार भी भूल जाती थी अगर खुद रोज़े से होती तो ये कौन सा सदक़ा है कि जो अल्लाह ताला ने ऐसे जिसको ऑनर किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि सबसे पहले आके मिलेगी तो वो कहते हैं कि जैनब सईद ज़ैनबरदी का एक ख़ास जो अंदाज़ था वो ये था कि वो लेदर को टैन करती थी खालें वो टैन करती थी वो दबागत करती थी डाई करती थी उनको कोई प्रोडक्ट ज़ाहिर है फिर बनाती होंगी और फिर उसको वो बाज़ार में बेचती थी जो उससे जो पेमेंट आती थी उसमें से सदक़ा करती थीं हाथ की कमाई का जो सदका है ना तो वो एक डिफरेंट चीज़ है दीगर उमतमी से और वो वजह बनती है सैद ज़ैनबरदी के इस ऑनर की तो बहुत इसमें सीखने की बात है ना कि उनके हाथ की कमाई और फिर अगर ये वही चीज आज हम इम्प्लीमेंट करें बहुत सी खुवाी है जो कमा रही होती हो आजकल तो ऐसा मालूम होता है खातन तो बाजों का उसमें से वो अपने घर पे स्पेंड करती है बिल्कुल तो वो भी तो उनके लिए पे करती है बच्चों पे करती है बाहर सदका करती हैं शोहर की अगर वो हेल्प कर रही है उसके अंदर तो बिल्कुल कितना बड़ा सदका और अल्लाह के यहाँ कितना अजर है बहुत बड़ा बिल्कुल सही फिर एक और दीन के हवाले से एक तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ये कि कभी दीन के हवाले से कोई बात भी इल्म के बग़ैर नहीं कहनी सईदा बहुत इंपॉर्टेंट है सईद ऐशा रदी फरमाती हैं कि किसार में किसी के घर में एक बच्चा वफ़ात पा गया तो कहती हैं कि मैंने कहा जैसे प्यार में या मोहब्बत में इंसान कह देता है तो फरमाती हैं कि मैंने कह दिया कि वह तो एक जन्नत में परिंदों के साथ एक परिंदा बन के घूम फिर रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा रुको ऐसी कोई बात ना कहो कि जो तुम्हारे इम में ना हो अल्लाह ताला को बड़ी अच्छी तरह पता है कि किसने जन्नत में जाना है किसने जन्नत में नहीं जाना अब कराम ये कहते हैं कि हालांकि इस पर इजमा है कि अहले ईमान के जो नाबालिग फ़ौज बच्चे हैं वो जन्नत में होंगे और हमें एक और हदीस से भी पता चलता है कि वो आ, सारा आसमाम और इब्राहीम के साथ एक गार में हैं, उसके बावजूद कोई ऐसा डायलॉग कि जो आप बगैर इल्म के करते हैं कि वो परिंदा बनकर तो ओढ़ रहा होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमाया, यानी गैब के अमूर में कोई भी अपने आप से कोई बात करना हमारे माशरे में ये बहुत आम हो चुका है हम कभी जन्नत की कोई ऐसी मिसाल दे देते हैं कभी जहनुम की दे देते हैं कभी किसी इमेजिनेशन में हम चले जाते हैं तो इसमें हमें एहतियात करनी चाहिए हाँ इसमें तो मेरा एक सवाल है कि अमूमन देखिए हम जब लोगों से डील करते हैं या कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ये तो फलां तो जन्नती था इसका कोई हक तो नहीं ऐसा फिर हम हमें नहीं कहना चाहिए बिल्कुल नहीं, नहीं। हमें कोई हक नहीं है इसका बिल्कुल ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं क्योंकि तो फिर हमारा काम दुआ करना हमारा काम हम दुआ करना, है अगर कोई जिंदा है इसी से एक और बात भी निकलती है कि हम कई जिंदा लोगों के लिए भी कहते हैं इतना नेक है कि फरिश्ता है इतना नेक है कि सीधा जन्नत में जाएगा या ये है कि इसको तो हिदायत आनी ही नहीं है इसको तो कभी हिदायत आ सकती ही नहीं है हम सबसे बड़े जजेस बन के खुद बैठ जाते हैं दूसरों के ऊपर तो पापा हिदायत के लिए तो फिर हिदायत ना आने वाली जो बात आपने की वहाँ तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भी रोक दिया ना बिल्कुल बिल्कुल और अगर आप देखें तो ओहद के दिन वाले तकरीबन सारे लोग मुसलमान हुए बाद में तकरीबन और कितने बड़े बड़े नाम हैं तो इसलिए ये अल्लाह ताला को पता होता है कि कब किसकी हिदायत का वक्त आ गया है कब किसके पर्दे जो हैं जो दिल पे पड़े हुए हैं वो उठने हैं तो हम तो उसका ना इख्तियार रखते हैं ना ही अल्लाह ताला ने और ये बहुत बड़ी जुर्रत है ये हमें नहीं करनी चाहिए तो ये जबान की बहुत एहतियाती में आती है ना क्योंकि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे होते हैं बाजार हम किसी की शान में कुछ भी कह जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि हम हजरत आयशा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर रोक मना फरमा दिए हैं बिल्कुल फिर इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत अखलाक के हिल्म और नरमी और मकार में अखलाक की जो तकमील के लेवल है ना उस पर पहुंचाना अपनी अजवाज मतहारा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ल व सैद्मा से, से, से फ़रमाया था कि हसन अखलाक दुनिया जहाँ की तमाम भलाइयाँ लूट के ले गया और इसी तरह से ये भी फ़रमाया किमत के, के दिन सबसे भारी चीज़ मीज़ान में अच्छा अखलाक होगा तो इसमें एक सैद आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा कोई यहूद आए तो वो इसी तरह की बात किया करते थे सख्त कोई ना कोई या बिटवीन द लाइंस उन्होंने कोई ऐसी बात कहनी होती थी अपने बग़ज़ की वजह से तो अमैकुम को असामक तो असाम का तो मतलब है मौत हो इंतहा की एक बद तो सैद आयशा रदी को ग़ुस्सा आया और वह सुन रही थी और उन्होंने जवाबन कहा कि मौत हो तुम पर और अल्लाह का गजब हो तुम पर और अल्लाह की लानत हो तुम पर बिल्कुल बिल्कुल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा रुको आयशा ठहरो आयशा ऐसा कहने, कहने की ज़रूरत नहीं है तो सईद आयशा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं सुना कि इन लोगों ने क्या कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने नहीं सुना मैंने क्या जवाब दिया मैंने कहा वालेकुम जो उन्होंने मेरे लिए कहा वो कबूल नहीं होगा और मैंने वापसी उन्हीं के ऊपर वो चीज़ फेर दी है तो जो मैंने उनके लिए कहा वो अल्लाह के यहाँ कबूल भी होगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये जो लान तान किसी की भी बात के जवाब में बैक एंड फोर्थ बात करना बहस मुबास आर्ग्यूमेंट्स उससे बेहतर होता है कि इंसान खामोश हो जाए और ये भी ना हमत अल्लाह से मांगनी चाहिए एक बड़ी ख़ूबसूरत दुआ है मसनू दुआओं में यहाँ पर मैं एक ऐप भी इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी दुआएं के नाम से एक ऐप है तो वो अगर सब हमारे नाजरीन उसको कर लेना डाउनलोड तो उसमें दोनों पर पा की दुआ मौजूद है जी तो उसमें एक दुआ मिलती है अल्लाम आतनी ए एल्ला मुझे ताफ़रमा युता फ़कद ख़ेरन के कसीरा कि जिसको दे दी गई हमत उसको तो खैर कसीर दे दी गई कुरान में भी आता है ना वह मईमत फ़ुद ऊती अखरन खैरन खीरा ये हमत आ जाए कि मैंने कब बोलना है और मैंने कब चुप रहना है और मैंने कौन सा लफ्स बोलना है और किस लफ्ज़ से मैंने रुक जाना है तो ये बहुत बड़ी खैर होती है और इसी तरह से एक और रिवायत में आता है कि आप सल्ला वसलम ने यह भी फ़रमाया था कि आयशा अल्लाह ताली फोहश को बेहयाई की बात को सख्त बात को वलगारटी को अल्लाह सुबह वा पसंद नहीं फ़रमाते फिर एक और चीज़ के जो अकीदे के कुछ आ, ऐसे मामलात हैं कि जो डैमेजिंग हो सकते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसान जब दुनिया से जा रहा होता है और हमें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ थी फ़िज़िकल तकलीफ़ में मुब्ला थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन आखिरी दम तक आपली वसम ने उम्म को नसीहतें की हैं और उनमें एक नसीहत ये थी अकीद के हवाले से सईदा उम सलमा और सईदा उम्म हबीबा रदीनुमा दोनों राज मतरात हैं तो इन्होंने बताया कि हम जब हबशा में थी दोनों ख़वात ने हबशा हिजरत की है अपने पिछले हस्बैंड के साथ तो वहाँ हमने एक चर्च देखा था जिसका नाम मारिया था और उसके अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें कोई इनके ना बुज़ुर्गों की और कई अगर आपने कभी चर्च देखा हो कोई तो उसके अंदर बड़े बड़े एंजल्स की भी तो उन्होंने तो तस्वीरें बना दी हैं और अम्बिया कराम की भी बना दी हैं बड़ी जरत के साथ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये शरारुल खल्क हैं ये बदतरीन लोग हैं इन लोगों का जब भी कोई नबी या कोई साले इंसान कोई फ़ौत होता था तो उसकी ये तस्वीरें बना लेते थे और फिर वही तस्वीरें बाद में इन्होंने बुत बनाए और फिर इनके अकीदे में बिगाड़ आया और यही एक वजह थी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी कब्र मुबारक को बिल्कुल कुछ अरसे के बाद बिल्कुल सील कर दिया गया क्योंकि और वो वाकई वो बहुत अच्छा है वरना हमारा एक वो ज़ीफ़ल होना तो वो ज़ाहिर है वहाँ पर हमें अभी भी नज़र आता है लेकिन अगर वो ऐसे ओपन होती तो हमारा अकीदा बिल्कुल बिगड़ चुका होता और इबादत के बजाय वो जो है तवज्जो वो उसी तरफ मबज़ूल रहती और वहाँ पर ही भी। अच्छा अब मैं बहुत मुझे आपकी बातों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ हज़रत आयशा और रसूल का जहाँ वाक़या भी आपने बयान किया जब यहूद आए तो कितनी खूबसूरत तरीक़ा तरबियत है क्या आप वसलम ने आने वालों से कुछ नहीं कहा हज़रत आयशा की तरबियत कर आयशा हालांकि उनसे हाँ। मोहब्बत थी आने वाले तो आज ये बात तो, तो बहुत है कि जहाँ फर्म होना है तरबियत में वहाँ आपल वसल्लम ने फर्म तरबियत की है ये एक और एग्जांपल जो अभी मैं आपको देने लगी हूँ इसमें आप देखेंगी कि आयशा रदी खुद फरमाती हैं अच्छा उनका भी इतना वो ओपन हार्टेड थी अपना बता रही हैं कि मेरे से ये हुआ तो मुझे मेरी ये तरबियत की गई इसके लिए बड़ा एक जर्फ चाहिए तो फरमाती हैं कि मैंने सफ़िया रदी रदिया के बारे में एक मरतबा कह दिया कि को वाइफ थी एक वही बात है कि इंसान ने, ह्यूमन नेचर के तहत कभी कोई आ ही जाती है ऐसी बिटनेस तो मैंने उनकी शॉर्ट हाइट के बारे में ना ज़रा कह दिया कि उनमें यही क्या कमज़ोरी कम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा आपने ऐसी बात कही है कि अगर उसको समंदर में मिलाया जाए तो समंदर को कड़वा कर दे और फिर इसी तरह एक दफ़ा उन्होंने ये भी बताया कि मैंने किसी की ज़रा सी नक़ल उतार दी थी यानी फ़िज़िकली किसी के चलने के तरीके की तो उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो नहीं चाहता कि मैं किसी की भी नकल उतारूं चाहे मुझे इतना और इतना कुछ दे दिया जाए तो हमारे यहाँ ना आज एक जो ख़ास तौर पर जो एडोलसेंस की जो एज है और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर जो वर्थलेसनेस की और डिप्रेशन एंजाइटी की जो फीलिंग्स डेवलप होती हैं वो बॉडी शेमिंग की वजह से होती हैं ये जो स्कूल uh, में बच्चे करते हैं कोई अगर ओवरवेट uh, है या इवन कोई अंडरवेट है उसको भी पकड़ लेते हैं फिर शॉर्ट है कोई कोई लंबा बहुत है कोई टॉल है ज़्यादा किसी का कंप्लेक्शन हर चीज़ को और एक ही अगर नुकता पकड़ लिया जाए कि अगर किसी का आप फ़िज़िकल मजाक उड़ाते हैं तो दरअसल ताला का मजाक है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके कितने नतज मुआरे पर पड़ रहे हैं मेरी कुछ अरसा पहले एक टीचर से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि कोविड के बाद एक मदर मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मास्क पहन कर ही सोती है वो घर में भी मास्क पहन कर रखती है क्योंकि वो कहती है जब मैं उतारूँगी तो मेरा मजाक उड़ाएँगे क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है अब देखिए कि ना ये ना वो है जो एक एक, एक मदर का बिल्कुल एक मेरे साथ एक इंटरेक्शन एक टीचर का हुआ और उन्होंने बताया कि ये वाले अब इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं तो ये तो हमारे स्कूल्स में या हमारे कॉलेजेस में ये इतनी एक आम चीज है बॉडी शेमिंग जी जालेमाना जाले बिल्कुल और चेहरे का मजाक और जैसे अभी आपने बहुत सारी लेकिन फीचर्स का मजाक मजा, कि जिसके साथ हो रहा होता है वो बेचारा इस तरह जुल्म का शिकार हो जाता है कि वो बढ़ नहीं सकता वो ग्रोइंग एज है उसकी मेंटल ग्रोथ बिल्कुल लो हो जाती है और इसके एक्सट्रीम केसेस जो है ना उसमें तो कुछ एक मैं को पढ़ रही थी एक बच्चा था कोई तकरीबन कोई सात आठ साल का किसी और मुल्क की बात थी और वो आ, अपना मुसलमान बच्चा था और वो स्कूल जाता था और उसको बुली किया जाता था वो घर आया उसने सुइसाइड कमिट कर ली इसी तरह से ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बच्चियों में वहाँ कोई वहाँ पे स्कूल में एक कमेंट दे देगा आपके मोटापे के ऊपर और इतना आपको साइकोलॉजिकली वो आपको स्ट्रेस में ले जाएगा कि आप आ, ये जो एनोरेक्सिया एक बीमारी है जो ईटिंग डिसऑर्डर की कि आप कुछ खा ही नहीं पाते और आप बिल्कुल मरने के करीब हो जाते हैं इसके एक्सट्रीम केसेस में तो हॉस्पिटल दाखिल करवाते हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती है वो तो एक खीरा भी खा लें तो उनको होता है कि हमने ओवर ईटिंग कर और फिर इसकी पीछे सब साइकोलॉजिकल और फिर इसके पीछे फिर वजह वही है कि दीन से दूरी एग्जैक्ट अल्लाह सुबह तला से मोहब्बत की कमी बिल्कुल अल्लाह का तारुफ ना होना ये चीज़ें जितनी जितनी आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बच्चों में और अपनी नस्लों में उतना उतना उनकी तरबियत तो होगी दूसरे की भी होगी जो बॉडी शेमिंग करता है उसकी भी होगी और उसकी हो हो, अगर हो भी जाए ना तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा बिल्कुल उसको भी इशू नहीं बनेगा वो इतना उसका अल्लाह ताला के साथ हो मजबूत ताल्लुक कि उसको वो उन बातों को एक कान से सुने और दूसरे से निकालने के वो काबिल हो बिल्कुल जसाक अल्लाह नाज़रीन अल्लाह से दुआ है कि हम भी नबी करीम अलैहि वसल्लम की सीरत से हयात तयबा से सीखने वाले बन जाएं और इन बातों को अपनी ज़ात में और अपनी रोज़मर्रा की मामलात में इनको शामिल करें ताकि हमारे मामलात भी इसी तरह खुशगवार हो जाएं जैसे कि आप सल वसल्लम के दौर में सहाबा के और अजवाज मतहारा के आपस में थे सुभानकल्लाहुम्मा व कसरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته